हो गई अनुपमा के जीवन में समर की फिर से एंट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ा ही प्यारा सीन था दोस्तों, जिस सीन में अनुपमा अपने समर को फिर से देख पाई। अनुपमा के चेहरे पे स्माइल आई, खुशी आई, आंसू आए, मगर ये सब किसके लिए थे? समर के लिए, क्योंकि समर उसके सामने खड़ा था। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, इस ब्यूटीफुल सीन के ऊपर। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, समर और अनुपमा का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता है, मगर ये माँ बेटे का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जो कोई समझ नहीं पाता है, कोई बाहर वाला नहीं समझ पाता है, क्योंकि ये एक आप अपने अंदर एक जीवन पैदा करते हो और फिर वो जीवन अपना जीवन जीता है, और जब उसका जीवन चला जाता है तो वो पेन जो पेट में उस समय हुई थी जब बच्चे को पैदा किया था, वही पेन डबल ट्रिपल पता नहीं कितने गुना बढ़ के होती है माँ को। अनुपमा ने इस धारावाहिक में, पर्टिकुलरली माँ वाले कैरेक्टर में, अपने आप को हमेशा साबित किया। इस बार फिर से ये जो सीन देखा हमने, अनुपमा ने ना सिर्फ अपने बेटे समर की वापसी को सेलिब्रेट किया, उसको लड्डू खिलाया, बल्कि ये भी कहा कि हम अगर चाहें तो अंग दान करके, ऑर्गन डोनेट करके अपने बच्चों को अपने सामने जीवित देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। समर एक इंसान, एक बच्चे की जिंदगी नहीं लेके आया, जैसा कि अनुपमा ने कहा कि किसी के दिल में धड़कन की तरह समर गूंज रहा है। मैंने अपने वीडियो में भी आपको बोला था कि समर जो है ऐसे किसी के दिल में, किसी की आंखों में, किसी के जो है किसी ना किसी ऑर्गन में जिंदा रहेगा, जो भी ऑर्गन्स डोनेट हो पाते। तो वही आज अनुपमा ने भी कहा कि मेरा समर जो है किसी के दिल की धड़कन बन के जिंदा है, मेरा समर किसी की आंखों की रोशनी बन के जिंदा है। तो ये बहुत ही प्यारा था। हम हमेशा हमारे जो हम जिस तरह की जिंदगी जीते हैं उसमें जब कोई मर जाता है तो हम उसको मार ही देते हैं कि ये चला ही गया है, मगर उसको जिंदा रखा जा सकता है दोस्तों, ऐसे जैसे इस धारावाहिक में दिखाया गया, अपनी यादों में, उसकी अच्छी यादों में उसको जिंदा रखा जा सकता है। और उस लड़के ने जो आया था उसने समर को थैंक यू कहा, समर भैया थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, इससे अच्छी किसी आत्मा की शांति के लिए क्या ही दुआ हो सकती है। कितने मर्जी पूजा पाठ हम कर सकते हैं, बहुत कुछ होता है, जाती हैं दुआएं, मगर ये जो दुआ है किसी को जीवन दे के जाने वाली दुआ, इससे बड़ी दुआ कोई नहीं हो सकती है। उस लड़के की मदर के मन से कितनी दुआएं निकली होंगी अनुपमा के लिए, समर के लिए, और खास करके अनुपमा और वनराज के लिए, जिन्होंने उस फॉर्म पे साइन किया कि हमारे बेटे के ऑर्गन डोनेट हो जाने चाहिए। और साइलेंटली कहीं ना कहीं अनुज को भी दुआएं मिली होंगी, क्योंकि उसी ने एनकरेज किया कि करना चाहिए। तो ये मुझे सीन सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मैसेज ओरिएंटेड सीन था, जो इस धारावाहिक की हमेशा हम तारीफ करते हैं, वो इस सीन में हमें वो तारीफ दिखाई दी। बाकी सब किचन पॉलिटिक्स ये सब तो चलता ही रहेगा, हम लोग बात करते ही रहेंगे, मगर आज समर को अनुपमा की आंखों के सामने जिंदा देख के, समर की आंखों की दुआएं लेते हुए, उस लड़के की दुआएं लेते हुए अनुपमा को देख के हमें बहुत अच्छा लगा। आपको भी लगा होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।